समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन के अध्यक्ष, इस देश के गरीबों, नौजवानों, मजलूमों के रहनुमा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव साहब, समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव आदरणीय रामगोपाल जी, मंच पर बैठे सभी सम्मानित समाजवादी पार्टी के नेता, सामने बैठे पूरे देश से आए समाजवादी पार्टी के डेलीगेट्स, पत्रकार बंधु और साथियों, मैं अंबिका चौधरी साहब के राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव पर उसके समर्थन में बोलने खड़ा हुआ हूँ। हमारे बहुत सारे साथियों ने बड़े विस्तार के साथ अपने विचार रखे। आप सब लोग जानते हैं कि आज देश और उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब बहुत सारे वादे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुनाव के अंदर और दूसरी चीज़ों में हम लोगों से, नौजवानों से किए थे। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि आज अगर पूरे देश के अंदर कोई चीज़, कोई बीमारी अगर कोड के रूप में उभर रही है, वो बीमारी है बेरोजगारी। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अगर सबसे ज़्यादा ठगने का और सबसे ज़्यादा झूठ बोलने का काम किया है, तो पढ़े लिखे नौजवानों से बोलने का काम किया है। आज अखबार उठाकर आप देखो, अखबार के अंदर कहीं नहीं निकलेगा कि सरकार ने भर्तियां निकालने का काम किया है। कहीं नहीं निकलेगा सरकार कोई योजना लेकर नौजवानों को नौकरी देना चाहती है। बल्कि आपको पढ़ने को मिलेगा कि नौजवान अपराध की तरफ जाकर किसी व्यापारी की हत्या कर देता है या लूट लेता है, या कोई नौजवान जाकर आत्महत्या जैसे घातक कदम उठा लेता है। ये कदम इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से बेरोजगारी और बिना पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरियों के लिए अकाल सा पड़ गया है। कोई स्कीम भारतीय जनता पार्टी ने नौजवानों के लिए नहीं दिया, और जितनी भी भर्तियां उत्तर प्रदेश के अंदर निकली हैं, सारी की सारी भर्तियां किसी का पर्चा लीक हो गया, और सारे के सारे जो भी भर्तियां भ्रष्टाचार के सारे चढ़ गई। मेरा आप नौजवानों से अपील है, मैं बधाई देना चाहता हूं इस उत्तर प्रदेश के नौजवानों से, नौजवानों की ओर से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, कि आज 5 साल के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पुनः निर्वाचन होने पर इस उत्तर प्रदेश का एक एक नौजवान, समाजवादी नौजवान आपको बधाई देता है और उम्मीद करता है कि इस 5 साल के अंदर ये झूठी और मक्कार और नौजवानों और छात्रों के खिलाफ चलने वाली सरकार को उखाड़ फेंकने का काम माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व के अंदर यहाँ पर बैठा हुआ एक एक समाजवादी नौजवान करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आज हम लोग संकल्प लेकर जाएंगे कि आने वाली 2024 के अंदर इस भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के अंदर और 2027 के अंदर उत्तर प्रदेश से हटाकर इस मुल्क के अंदर बिना अखिलेश यादव जी के और इस उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के जी के सिर पर एक बार फिर ताज बनाने का काम करेंगे। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात खत्म करता हूं। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद।